ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं ततो जयं मुदीरये नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी बीसवें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। स एवं आराधित पादतीता अधीत तत्व आत्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतो अहम् विरहातुरात्मा। स एवं आराधित पादतीर्था अधीत तत्व आत्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवम् इहागतो अहम् विरहातुरात्मा। मेरे साथ पढ़िए स एवं आराधित पाद तीर्थात् स एवं आराधित पाद आत्मा विबोध विबोध मार्गः
अधीत तत्व आत्मविबोध मार्ग ब्रह्म पादौ परिवृत्त देवम् इहागतो अहम् विरहातुरात्मा शब्दार्थ है सह अतएव मैं एवं इस प्रकार आराधित पूजित पाद तीर्थात भगवान से अधीन अध्ययन किया हुआ तत्व आत्म आत्म ज्ञान विबोध ज्ञान जानकारी मार्ग पथ प्रणम्य प्रणाम करके पादों उनके चरण कमलों पर परिवृत्त प्रदक्षिणा करके देवम भगवान यह इस स्थान पर आगतः पहुंचा। उद्धव कह रहे हैं अहम मैं विरह वियोग आतुर आत्मा आत्मा में दुखी दुखित आत्मा से। अब आप कहोगे आत्मा दुखी कैसे हो गया, दिव्य है ये भावार्थ है। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु कितने भाग्यशाली हैं उद्धव, अर्जुन की तरह गुरु उनके भगवान कृष्ण थे। मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है, अतएव उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूं। मेरे साथ पढ़िए, मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु भगवान से आत्मज्ञान के मार्ग का अध्ययन किया है। अतः उनकी प्रदक्षिणा करके मैं उनके विरह शोक से पीड़ित होकर इस स्थान पर आया हूँ। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण पल्लवी माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्री उद्धव का वास्तविक जीवन चतुश्लोकी भागवत का प्रत्यक्ष प्रतीक है, जिसे भगवान ने सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा। श्रीमद् भागवत के इन अत्यंत महान तथा महत्वपूर्ण श्लोकों को मायावादी चिंतक विशेष रूप से अलग करके अपने अद्वैतवादी निर्विशेष मत का अनुमोदन करने के लिए इनका भिन्न तात्पर्य निकालते हैं। यहाँ पर ऐसे अनधिकृत चिंतकों के लिए सही उत्तर दिया गया है। श्रीमद् भागवत के श्लोक शुद्ध आस्तिक विज्ञान है, जिन्हें भगवद गीता के परास्नातक अध्येता समझ सकते हैं। अनधिकृत शुष्क चिंतक तो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपराधी है, क्योंकि वे लोग जनता को गुमराह करने के लिए भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत के तात्पर्यों को तोड़ते मरोड़ते हैं और इस तरह अंधता मिश्र नामक नरक में जाने का सीधा मार्ग प्रशस्त करते हैं। भगवद गीता 16.20 में पुष्टि की गई है कि ऐसे ईर्ष्यालु चिंतक ज्ञान रहित होते हैं और जन्म जन्मांतर तक निंदा के पात्र बनते हैं। वे व्यर्थ ही श्रीपाद शंकराचार्य का आश्रय लेते हैं, जो स्वयं इतने उग्र न थे कि भगवान कृष्ण के चरण कमलों पर अपराध करते। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार श्रीपाद शंकराचार्य ने किसी विशेष उद्देश्य से मायावाद दर्शन का प्रचार किया। ऐसा दर्शन आत्मा के अनस्तित्व वाले बौद्ध दर्शन को परास्त करने के लिए आवश्यक था, किंतु इसका उद्देश्य शाश्वत स्वीकृति के लिए कभी नहीं था। यह एक आकस्मिकता थी, इसीलिए शंकराचार्य ने भगवद गीता पर लिखे अपने भाष्य में कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार किया। क्योंकि वे कृष्ण के महान भक्त थे, अतः उन्होंने श्रीमद् भागवत पर कोई टीका लिखने का दुस्साहस नहीं किया, क्योंकि यह भगवान के चरण कमलों पर सीधा अपराध होता। किंतु मायावाद दर्शन के नाम पर परवर्ती चिंतक बिना किसी प्रामाणिक उद्देश्य के चतुश्लोकी भागवत पर अपनी टीका करते हैं। अद्वैतवादी शुष्क चिंतकों का श्रीमद् भागवत से कोई सरोकार नहीं है, क्योंकि
इस विशेष वैदिक ग्रंथ के महान प्रणेता ने स्वयं इसका निषेध उनके लिए किया है। श्री व्यास देव ने धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष में लगे हुए व्यक्तियों को श्रीमद् भागवत के समझने का प्रयास करने के लिए निश्चित रूप से मना किया है, क्योंकि यह ग्रंथ उनके लिए नहीं है। भागवत 1.1.2। श्रीमद् भागवत के महान टीकाकार श्रीपाद श्रीधर स्वामी ने मोक्षवादियों या अद्वैतवादियों को श्रीमद् भागवत के विषय में कुछ भी सरोकार रखने से मना किया है, यह उनके लिए नहीं है। फिर भी ऐसे अनधिकृत व्यक्ति श्रीमद् भागवत को समझने का हठपूर्वक प्रयास करते हैं, जो दुस्साहस श्रीपाद शंकराचार्य तक नहीं कर सके। इस तरह वे भगवान के चरण कमलों पर अपराध करते रहते हैं और अपना दुखी जीवन बनाए रखते हैं। यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुश्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और इस बार परमाम स्थिति के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, तब तक श्रीमद् भागवत के इन चार अनिवार्य श्लोकों का असली अर्थ नहीं समझा जा सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की ही की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मरोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा। जो श्लोक था, इस श्लोक का लास्ट उन्होंने दिया है, लेकिन पहले उन्होंने सीधे ये क्यों कहा? चतुर्श्लोकी जो ब्रह्मा जी को भगवान ने सुनाए वही, क्योंकि ये भी भगवान के सीधे शिष्य हैं, भगवान इनके गुरु हैं उद्धव के, तो इसलिए ये कितने महान हैं ये बताने का कोशिश प्रभुपाद कह रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद पड़ गए पीछे निर्विशेषवादियों के, वो तोड़ मरोड़ करके चतुर्श्लोकी के अर्थ अलग अलग ढंग से निकालते हैं, ये प्रभुपाद कह रहे हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि गलती से भी कभी आप निर्विशेष बात की तरफ कोई अगर कहे, तो अगर आप भक्ति मार्ग पर हैं उस तरफ बिल्कुल आपसे आपको उससे बिल्कुल उदासीन हो जाना है, उनसे हमको लड़ना नहीं है, क्योंकि हम इतने पारंगत नहीं हैं आध्यात्मिक ज्ञान में, तो लड़ना नहीं है लेकिन उदासीन हो जाना है। और लास्ट में उन्होंने कहा कि यहाँ पर यह विशेष ध्यान देने की बात है कि उद्धव ने चतुर्श्लोकी भागवत सीधे भगवान से पढ़ी, जिन्होंने इसे सर्वप्रथम ब्रह्मा जी से कहा और यहाँ पर परमाम स्थित के रूप में आत्मज्ञान की अधिक गुह्य रूप से व्याख्या की। प्रेम के ऐसे आत्मज्ञान को सीखकर उद्धव भगवान के विरह भावों से अत्यधिक दुखी हुए, तब वह यहाँ आए थे। जब तक उद्धव की अवस्था तक जागृत न हो लिया जाए, मतलब जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान के इस स्तर पर न पहुंचे, तब तक श्रीमद् भागवत के चतुर्श्लोकी का अर्थ असली समझ में नहीं आता ये। लेकिन अगर आप इसको हमको जो हमारा स्तर है, हमारा स्तर उद्धव का जैसा नहीं हो सकता, हमारा स्तर प्रभुपाद का जैसा नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा भी कुछ स्तर हो, उसके लिए चतुर्श्लोकी को बार 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 पढ़ करके आपको कुछ समझ आ जाए, तो आप किसी से पूछने लायक बनते हैं। जब जैसे कोई सब्जेक्ट है कि आप किसी से पूछना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल सिफर हैं उसमें, जीरो हैं, तो पूछने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट है कोई, वो जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, आप ऐसा समझिए कि कोई जो पढ़ा लिखा ही नहीं है, वो अगर कहे कि इस ये भगवद गीता का पहला श्लोक मुझे समझा दो, वो क्या समझाएगा, क्योंकि इसको तो पढ़ा ही नहीं। कोई प्राइमरी का बच्चा, या ऐसा समझिए कोई हाई स्कूल का बच्चा, कोई पीएचडी टॉपिक पर या कोई पोस्ट ग्रेजुएट टॉपिक पर
कुछ पूछता है तो पोस्ट ग्रेजुएट टॉपिक पर जो प्रोफेसर बात करता है वो इस बच्चे को कैसे समझा सकता है, क्योंकि पढ़ते 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 आपका एक ज्ञान का स्तर हो जाता, आप हाई स्कूल पास करके आप कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, पढ़ जाता है। तो अगर आपसे कोई नई चीज बात करता है तो आप समझने की कोशिश करें, और अगर आपके सब्जेक्ट से संबंधित हैं तो आपको बहुत कुछ समझ भी आने लगता है। ये समझिए पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और एक प्रोफेसर फिजिक्स का है तो आप उसको नहीं समझ सकते, अगर वो ऐसी बात करेगा आप नहीं समझ सकते। लेकिन अगर आप साधारण फिजिक्स की कोई सिंपल बात करते हैं तो ये भी समझने की कोशिश करता है, क्योंकि इसका ज्ञान का स्तर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसा है, उद्धव के स्तर पर हम नहीं जा सकते, लेकिन जो प्रभुपाद कह रहे हैं तब तक चतुर्श्लोक की समझ नहीं आ सकता, लेकिन हम इसको पढ़ के एक स्तर आपका हो जाए कि आप पूछने लायक तो बने। सीधे आपने कहा कि चतुर्श्लोक की हमको नहीं समझ आया, पहले पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, तब कहिए इसमें जो ये लिखा है ये नहीं समझ आया। तो आपको बताने वाला, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा अच्छा हो जाता है कि वो आपको समझा सके। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी उन्होंने कहा कि तब तक इसका असली अर्थ समझ में नहीं आ सकता। उद्धव जैसी अविरत वियोग की यह अवस्था श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी प्रकट की थी भगवान के वियोग में। चैतन्य महाप्रभु ने तो बहुत बार की, एक बार नहीं। किसी को श्रीमद् भागवत के अर्थ को तोड़ने मड़ोड़ने के अनधिकृत कार्य में प्रवृत्त होकर अपराध के घातक मार्ग पर अपने को नहीं डालना चाहिए, ये उपदेश है प्रभुपाद का। 21वां श्लोक है, सो अहम तद दर्शनान आह्लाद वियोग आर्तिर युतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। मेरे साथ पढ़िए, सो अहम तद दर्शनान आह्लाद। सो अहम दर्शनान आह्लाद वियोग वियोग आर्ति युतः प्रभो श्रम मंडलम। शब्दार्थ है सह अहम, इस तरह स्वयं में तद उसका दर्शन दर्शन आह्लाद आनंद के वियोग विरह आरती उतः दुख से पीड़ित प्रभो हे प्रभु गमि से जाऊंगा दैतम। इस तरह उपदेश दिया गया तस्य उसका बदर्याश्रम हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम मंडलम संगति। हे विदुर अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूं, और इसे कम करने के लिए ही अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है, भगवान ने आदेश दिया जाओ बद्रिकाश्रम। मैं पढ़िए, हे विदुर अब मैं उनके दर्शन से मिलने वाले आनंद के अभाव में पागल हो रहा हूँ, और इसे कम करने के लिए अब मैं संगति के लिए हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम जा रहा हूँ, जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है। जैसा कि उन्होंने मुझे आदेश दिया है।
तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा विलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है। शुद्ध भक्त क्षण भर भी भगवान की दिव्य सेवा से विरत नहीं होता। भगवान की सेवा करना ही शुद्ध भक्त का मुख्य कार्य है। उद्धव को भगवान का वियोग असह्य था, अतएव भगवान के आदेश का पालन करने के लिए ही वे बद्रिकाश्रम के लिए चल पड़े, क्योंकि भगवान का आदेश तथा भगवान अभिन्न है। जब तक मनुष्य भगवान के आदेश का पालन करने में सचेष्ट रहता है, तब तक उनसे वास्तविक वियोग नहीं सताता। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा लिखा है पहला सेंटेंस प्रभुपाद ने। उद्धव के स्तर का शुद्ध भगवत भक्त एक साथ विरह तथा मिलन की दोहरी अनुभूति में निरंतर भगवान की संगति करता है, बल्कि विरह में ज्यादा करता है। जैसे सामने भगवान है तो आप कुछ पल के लिए कुछ करें, आपको हो सकता है भगवान आपके मन में ना हो, विरह में आप हमेशा उसी का ध्यान करते हैं। जैसे एक प्रेमी और अपने प्रेमिका को याद करता है, ऐसे समझिए कि जब विरह है, जब साथ हैं तो इतनी बात नहीं, जब अलग अलग हैं तो वो हर समय उसी के बारे में सोचता है और वो हर समय उसी के बारे में सोचती है। विरह में ज्यादा ज्यादा आप मन जो है उस तरफ ज्यादा जाता है, ऐसा माना जाता है। और यहाँ भी भगवत भक्ति में भी विरह में, जैसे भगवान द्वारका वृंदावन छोड़ के गए तो हर समय गोपियां कृष्ण के अलावा कुछ सोचती नहीं, ये विरह में। तो ये दोनों तरफ, अगर भगवान का अगर मिलन है या विरह है, बल्कि मिलन से विरह में ज्यादा भगवान साथ रहते हैं। इसलिए विरह की जो आध्यात्मिक स्थिति है वो मिलन से ऊपर मानी जाती है। 22वां श्लोक है, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम ते पाते लोक भावनौ। मेरे साथ पढ़िए, यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान ऋषि मृदु तीव्रम तपो दीर्घम पाते लोक नारायण भगवान देव अवतार से नर मनुष्य च भगवान स्वामी ऋषि ऋषि मृदु मिलनसार तीव्रम कठिन तप तपस्या दीर्घम दीर्घ काल ते पाते करते हुए लोक भावनाओं सारे जीवों का मंगल। वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। मेरे साथ पढ़िए, वहां बद्रिकाश्रम में नर तथा नारायण ऋषि के रूप में अपने अवतार में भगवान अनादिकाल से समस्त मिलनसार जीवों के कल्याण हेतु महान तपस्या कर रहे हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर थोड़ा अटपटी लगती है कि भगवान इसके रूप में, भगवान का एक ये स्वांश है जो मैं जैसा समझता हूँ कि भगवान को तपस्या करने की क्या जरूरत है। भगवान तो किसी के लिए भी किसी भी
जीवों के लिए मिलनसार जीवों के कल्याण भगवान खुद ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। तो ये एक विषय है जो मुझे थोड़ा अटपटा लगता है, या मतलब मेरा ज्ञान इस स्तर पर नहीं है कि मैं इसको इंटरप्रेट करूं कि भगवान को तपस्या करने की क्या जरूरत है। जैसे भगवान कभी भी ध्यान में आपने देखा होगा कि भगवान को इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान का कोई स्वांश है वो शायद ऐसा कर सकता हो। इसके बारे में मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। दो तीन लोग हैं जो इस पर टिप्पणी कर सकते हैं, उनसे पूछ के मैं इसको आपको बताऊंगा। अभी नहीं, जब मैं मैंगलोर चला जाऊंगा तब, क्योंकि एक दो लोग हैं जिनके साथ में बैठ के ये डिस्कस कर सकता हूँ। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा सरिता तंत्र माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हिमालय स्थित बद्रिकाश्रम नर नारायण ऋषियों का धाम है और हिंदुओं का एक महान तीर्थ स्थल है। अभी भी लाखों पवित्र हिंदू लोग भगवान के अवतार नर नारायण के प्रति श्रद्धा अर्पित करने जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी उद्धव जैसे पवित्र व्यक्ति ने इस भारी स्थल के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना स्थल में जाते थे और उस समय भी अत्यंत प्राचीन स्थान के नाम से विख्यात था। सामान्य लोगों के लिए इस विशेष तीर्थ स्थल तक पहुंच पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि हिमालय में यह निकट जगह पर स्थित है जो प्रायः वर्ष भर बर्फ से ढकी होती है। ग्रीष्म ऋतु के कुछ महीनों में ही महान व्यक्तिगत असुविधा के सहन करके लोग इस स्थान को जाते हैं। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक हैं। जी प्रभु जी, कहां ऊपर माता जी, हाथ थोड़ा हटाइएगा, ये नीचे से उपदेशी लाइन है ऊपर। इस पृथ्वी पर 4 धाम अर्थात ईश्वर के राज्य है जो आध्यात्मिक आकाश के लोगों के प्रतीक है, जिनमें ब्रह्मा ज्योति तथा वैकुंठ लोक जाते हैं। ये 4 धाम बद्रिकाश्रम, रामेश्वर, जगन्नाथपुरी तथा द्वारका। श्रद्धालु हिंदू आध्यात्मिक साक्षात्कार की सिद्धि हेतु उद्धव जैसे भक्तों के चरण चिन्ह का अनुसरण करते हुए अब भी इन सभी पवित्र स्थानों में जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। यहाँ जो है 4 धाम, ये तो जो प्रभुपाद ने बताया, ये तो 4 धाम कहलाते हैं। बद्रिकाश्रम एक है, रामेश्वर है, जगन्नाथपुरी है, द्वारका, ये 4 धाम सही है। लेकिन जो गढ़वाल में 4 धाम हैं, वहां भी 4 धाम कहलाए जाते हैं, क्योंकि 4 धाम मतलब 4 तीर्थ स्थान। वो क्या है? एक तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये 4 तीर्थ स्थान वहां हैं। तो ये बल्कि अगले वर्ष सितंबर 15 सितंबर 15 अक्टूबर के बीच हम वहां जाने की सोच रहे हैं। आप लोग भी जो जाना चाहते हैं, क्योंकि उस पीरियड में क्लास नहीं होगी, तो जो इवनिंग क्लास है भागवतम की, वो लोग भी बहुत इच्छुक हैं बद्रिकाश्रम जाने के लिए। जब बद्रिकाश्रम जा रहे हैं तो मैंने किसी को, मैं जानता हूँ, मेरे जानने वाले मेरे कजिन हैं जो ये ऑर्गेनाइज भी करते हैं, उनसे मैंने पूछा था कि क्योंकि गर्मी में, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, गर्मी के कुछ महीनों में खुलता है, बिल्कुल सही बात, वहाँ अभी हिमपात शुरू हो गया, अभी वो बंद होगा, फिर वो खुलता है मार्च अप्रैल में कहीं खुलता है, अप्रैल मई में कहीं खुलता है, तो उस समय बहुत ज्यादा भीड़ होती है मई में, उन्होंने मुझे बताया।
उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा समय है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर, भीड़ कम होती है, दर्शन अच्छे हो सकते हैं और आपके रहने की व्यवस्था भी बेटर हो सकती है, क्योंकि भीड़ में बहुत सारे लोग अरेंजमेंट करते हैं, बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। एनीवे ये उन्होंने बताया। अगर आप लोग वहाँ जो जाने के इच्छुक हैं तो आप लोग अपने ये बना लीजिएगा कि आप चारों धाम जाना चाहते हैं या अखाली बद्रिकाश्रम जाना चाहते हैं, ये जो भी होगा ये, लेकिन चारों धाम का बनेगा शायद। और एक जगह हमारा स्टेशन होगा, वहां से पहले आप एक जगह जाएंगे, वापस आएंगे, दूसरी जगह जाएंगे, वापस आएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, फिर वापस आएंगे, फिर चौथी जगह जाएंगे, फिर वापस ऋषिकेश या हरिद्वार आएंगे। तो मैं ऐसा सुझाव दिया है इवनिंग क्लास को, जाते हुए आप पहले ऋषिकेश आइए। ऋषिकेश में अगर कोई गंगा स्नान करना चाहता है, रात की गंगा आरती देखना चाहते हैं, तो ये संभव है। लौटते हुए हरिद्वार, हरिद्वार में आप पहुंचे, दूसरे सुबह हरिद्वार में हर की पैड़ी में गंगा नहाया और उसके बाद सब अपने अपने घरों को जाएंगे, ऐसा उनको मैंने सुझाव दिया है, ये अच्छा रहेगा। तो आप लोग भी अपना मन बनाइए और जिसका मन जाने का बने और वो ये इसमें शायद करीब करीब, थोड़ा ज्यादा भी लग सकता है, करीब करीब 30,000 रुपया एक जने का लगेगा, जिसमें आपके 7-8 रुपया केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से अरेंजमेंट होगा, क्योंकि वो चढ़ाई न तो आप चढ़ सकते हैं और हम अगर उसको पैदल वाला रास्ता जो है वहां तक बस से जाएं, फिर वहां से चढ़ाई करें, वहां पर भी आपको घोड़े भी मिलते हैं, पालकी भी मिलती है, वो थोड़ा उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। तो हमारा ये यात्रा शायद 8-10 दिन की होगी, 1-2 दिन एक्स्ट्रा टाइम रखा जाता है, इसलिए कहीं कुछ रास्ते में कोई प्रॉब्लम आई तो इसमें जो प्रभुपाद ने लिखा है ये हिमालय के निकट है, विकट रास्ता है, बिल्कुल है, आप देखेंगे। लेकिन तब पहले रास्ता नहीं था, जब उद्धव गए होंगे तो पैदल रास्ता था, अभी क्या है, अभी वहां रास्ता है और वहां रास्ता इतना चौड़ा नहीं है, दो गाड़ियां आर पार हो सकती है, इसलिए जोशी मठ से गेट सिस्टम है, पहले गाड़ियां वहां की सब आएंगी, तब यहां से गाड़ियां छोड़ी जाती है जोशी मठ से, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी कभी कभी, क्योंकि वहां आर्मी की गाड़ियां ज्यादा हैं, तो आर्मी की कोई गाड़ी आती है तो आपको बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए छोटी छोटी गाड़ियां जाती हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि छोटी गाड़ियों में चलें, छोटे छोटे ग्रुप में, जैसे एक गाड़ी में 6-7 लोग जा सकते हैं, तो 6-6, 7-7 ग्रुप करके ऐसे छोटी गाड़ियां हो जाएंगी। वो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, बट वो इसमें जो अब ये इंतजाम जो होगा आपके ऋषिकेश और हरिद्वार तक आना आपके अपना खर्चा है, वो खर्चा इस ग्रुप नहीं करेगा। और ये भी बाद में देखेंगे कि हो सकता है ये खर्चा कम हो जाए, क्योंकि आप जब अपने पैसे से, तो ये पैसा ग्रुप को नहीं खर्च करना है, जो भी ऑर्गेनाइज करेगा, तो इसलिए शायद थोड़ा, जो मैं 30,000 कह रहा हूँ, शायद थोड़ा कम भी हो, बट अभी जब आप वापस आएंगे हरिद्वार में या ऋषिकेश में, जो पैसा बच जाएगा वो आपको वापस वहीं पर हो जाएगा, ऐसा होगा। तो ये स्थान ऐसा जरूर है, लेकिन अभी जाया जा सकता है, लोग जाते हैं, हजारों लोग जाते हैं वहां दर्शन करने के लिए, तो आपको ये देखने को मिलेगा, आपको वहां व्यास गुफा मिलेगी, व्यास जी के जितने ग्रंथ थे
वो दिखाए जाते हैं पत्थरों में, पत्थरों के रूप में वहां जितने भी पीतियां हैं। श्री सुका वाचा इति उद्धव इति उद्धवात इति उद्धवात उपाकर्ण्य सुहृदाम दुसहम पदम ज्ञानेन असमयत क्षत्ता शोकम उत्पतितम बुधः। श्री सुका वाचा इति उद्धवात उपाकर्ण्य सुहृदाम दुसहम पदम ज्ञानेन असमयत क्षत्ता शोकम उत्पतितम बुधः। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुका वाचा इति उद्धवाद उपाकर्ण्य सुहृदाम दुःसहं पदम् ज्ञानेन असमयत् क्षत्ता शोकम् उत्पतितं बुद्धः। श्री सुकवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इति इस प्रकार उद्धव से उपाकर्ण सुनकर सुहृदाम मित्रों तथा संबंधियों का सुह सहम असह्य बदम संहार ज्ञानेन दिव्य ज्ञान से असमयत स्वयं को सांत्वना दी क्षत्ता विदुर ने शोकम वियोग उत्पतितम उत्पन्न हुआ बुधः विद्वान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया, शोक को कम किया। जब ज्ञान हो जाता है आपको पहले चलो इसको आपके साथ पढ़ते हैं, मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा उद्धव से अपने मित्रों तथा संबंधियों के उद्धव से अपने संहार के विषय में सुनकर विद्वान विदुर ने स्वयं के दिव्य ज्ञान के बल पर अपने असह्य शोक को प्रशमित किया, अपने असह्य शोक को प्रशमित किया मतलब कम किया। ज्ञान को कोई पता है आपका यहाँ अस्थाई है क्षणिक, पता है ना आपको, कोई भी मरता है तो आप दुखी स्वाभाविक, परिवार का कोई जन है आप कितने वर्षों तक उसके साथ रहे, आपके बहुत सारे उनके साथ कार्यकलाप रहे और वो अचानक चला गया, बीमार होके भी चला गया तो दुखी होना स्वाभाविक है। लेकिन उस दुखी में अपने को हमेशा दुखी रखना वो गलत है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं, आपका ज्ञान नहीं है आत्मज्ञान, तो आप दुखी रहेंगे। देखा है मैंने, मैं अपनी माँ को मैंने देखा है, जब मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में चले गए थे तो माँ हमेशा दुखी रहती थी, और एक साल नहीं, साल भर तो आप समझिए वो 4-5 साल तक रोती रहती थी, क्योंकि अज्ञान था, आत्मज्ञान नहीं था। वो शायद ऐसा भी होता है अगर पति बहुत अच्छा हो तो ज्यादा ज्यादा याद आती, वो यही रोती रहती थी कि उतना अच्छा पति मुझे कभी मिल ही नहीं सकता। वो इतनी दुखी रहती थी, ये ज्ञान नहीं था, क्योंकि अगर आत्मिक ज्ञान हो तो पता है कि पति है लेकिन वो हमेशा के लिए परमानेंट है नहीं। इस भौतिक जगत में आपका कोई भी संबंध परमानेंट नहीं है, क्षणिक है, लेकिन दुखी होना स्वाभाविक है।
लेकिन उस दुख को इंगित करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर इन्होंने विदुर ने अपने ज्ञान के बल पर ये तो हो रहा है, आज लेगा तो कल जाएगा परसों जाएगा, क्योंकि यहाँ तो हमेशा कोई रहना नहीं है, तो उस अपने ज्ञान के आधार पर अपने शोक को प्रशमित किया, कम किया। तात्पर्य हरे कृष्णा सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा विदुर को बताया गया कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के परिणाम स्वरूप उनके मित्रों तथा संबंधियों के संहार के साथ साथ यदुवंशी का भी विनाश तथा भगवान का प्रयाण हो चुका है। इन सबसे कुछ समय तक तो वे शोकाकुल हो उठे, किंतु दिव्य ज्ञान में अत्यधिक बड़े चढ़े होने से वे अपने को उस ज्ञान द्वारा शांत करने में पर्याप्त समर्थ थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, शारीरिक संबंधों के दीर्घकालीन संगति के फल स्वरूप मित्रों तथा संबंधियों के संहार के कारण शोक का होना तनिक भी आश्चर्यजनक नहीं है, किंतु मनुष्य को उच्चतर दिव्य ज्ञान के द्वारा ऐसे शोक को दमित करने की कला सीखनी चाहिए। उद्धव तथा विदुर के बीच कृष्ण विषयक वार्ता की शुरुआत संध्या समय हुई और अब उद्धव की संगति से विदुर का ज्ञान और भी बढ़ गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, उनका प्रणाम। शतम् महाभागवतम् भजन्तम् कौरव ऋषभः विश्रम्भात् अभ्यदत् इदम् मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। मेरे साथ पढ़िए, सतम महाभागवतम। भृजन्तम् कौरव ऋषभः विश्रम्भात् अभ्यदत् इदम् मुख्यम कृष्ण परिग्रहे। शब्दार्थ सह विदुर ने तम उद्धव से महाभागवतम भगवान का महान भक्त भृजन्तम् जाते हुए कौरव ऋषभ कौरवों में सर्वश्रेष्ठ विश्रम्भात् विश्वास बस अभ्यदत्त निवेदन किया इदम् यह मुख्यम प्रधान कृष्ण भगवान की कृष्ण की परिग्रहे भगवत भक्ति में। बहुत अच्छा, भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। मेरे साथ पढ़िए, भगवान के प्रमुख तथा अत्यंत विश्वस्त भक्त भगवान के उद्धव जब जाने लगे तो विदुर ने स्नेह तथा विश्वास के साथ उनसे प्रश्न किया। हरे कृष्णा चरण सिंह राणा प्रभु जी। चरण सिंह राणा प्रभु जी। हरे कृष्णा विदुर, हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। विदुर उद्धव से काफी बड़े थे, पारिवारिक संबंध में उद्धव कृष्ण के समकालीन भाई थे, जबकि विदुर कृष्ण के पिता वसुदेव की उम्र के थे, किंतु उद्धव उम्र में कम होते हुए भी भगवत भक्ति में अत्यधिक बड़े चढ़े थे, इसलिए उन्हें यहाँ पर भगवान के भक्तों में प्रमुख कहा गया है। विदुर को इसका विश्वास था, अतः उन्होंने उद्धव को उसी उच्चतर श्रेणी का मानकर संबोधित किया। दो भक्तों के बीच शिष्ट वर्ताव की यही रीति है। हरे कृष्णा महाराज, हरे कृष्णा। ये बात भी अब क्या कहते हैं विदुर,
ये इम्पोर्टेंट बात है। विदुरा वाचा ज्ञानम परम स्व आत्मरह प्रकाशम यदा योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो अर्हति यद यद हि विष्णु विष्णु भृत्या स्वभृत्य अर्थ कृत चरन्ति। मेरे साथ पढ़िए। विदुरा उवाचा। ज्ञानम परम स्व आत्मरह प्रकाशम यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुम भवानो अर्हति यद हि विष्णु वक्तुम भवानो स्वभृत्य अर्थकृतश्चरन्ति। स्वभृत्य अर्थकृतश्चरन्ति। शब्दार्थ विदुर उवाच। विदुर ने कहा ज्ञान ज्ञान परम दिव्य तो आत्मा विषयक रह रहस्य प्रकाशम प्रबुद्धता यत जो आह कहा योगीश्वरः समस्त योगों के स्वामी ईश्वरः भगवान ने ते तुमसे वक्तुम कहने के लिए भगवान आप नमसे अर्हति योग्य हैं। अतः क्योंकि यत क्योंकि ही कारण से विष्णु भगवान विष्णु के प्रत्या सेवक स्व प्रत्य अर्थ प्रतः अपने सेवकों के हित के लिए चरंत विचरण करते हैं। विदुर ने कहा हे उद्धव क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्य की सेवा के लिए विचरण करते हैं अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। मेरे साथ पढ़िए। विदुर ने कहा हे उद्धव क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक अन्यों की सेवा के लिए विचरण करते हैं अतः यह उचित ही है कि आप उस आत्मज्ञान का वर्णन करें जिससे स्वयं भगवान ने आपको प्रबुद्ध किया है। हरे कृष्णा संतोषी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य भगवान के सेवक वास्तव में समाज के सेवक होते हैं। मानव समाज को दिव्य ज्ञान में प्रबुद्ध बनाने के अतिरिक्त उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे परमेश्वर के जीव के संबंध उस दिव्य संबंध में कार्यकलाप तथा मानव जीवन के चरम उद्देश्य विषयक ज्ञान को प्रदान करने में रुचि लेते हैं। यही असली ज्ञान है जो मानव कल्याण के असली लक्ष्य को प्राप्त करने में समाज की सहायता कर सकता है। खोने सोने संभोग करने तथा भयभीत रहने की शारीरिक आवश्यकताओं से संबंधित ज्ञान उन्नति की विविध शाखाओं में रूपांतरित होकर भी नश्वर होता है। जीव भौतिक शरीर नहीं अपितु परम पुरुष का नित्य अंश है। अतः उसके आत्म ज्ञान को पुनर्जागृत करना आवश्यक है। इस ज्ञान के बिना मानव जीवन उलझन में पड़ जाता है। भगवान विष्णु के सेवकों को यह उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य सौंपा गया है। अतः वे पृथ्वी पर तथा ब्रह्मांड के अन्य लोकों में विचरण करते हैं। इस प्रकार उद्धव को सीधे भगवान से जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वह मानव समाज में वितरण करने के योग्य है। विशेष रूप से विदुर जैसे पुरुष में जो भगवत भक्ति में अत्यधिक बढ़े चढ़े हैं असली दिव्य ज्ञान भगवान से उद्धव से विदुर और
ऐसे ही आगे शिष्य परंपरा द्वारा आगे आगे उतरता जाता है। ऐसे परम दिव्य ज्ञान को उसी अधूरी चिंतन विधि से प्राप्त कर पाना संभव नहीं, जैसा कि लौकिक झगड़ालू तथा कथित विद्वान करते हैं। विदुर बुद्धों से उस गुह्य ज्ञान को जानने के लिए उत्सुक थे जो परमा स्थितम कहलाता है, जिसमें भगवान अपनी दिव्य लीलाओं द्वारा जाने जाते हैं। यद्यपि विदुर उद्धव से पढ़े थे, किंतु आध्यात्मिक संबंध में भी उद्धव का सेवक बनने को उत्सुक थे। दिव्य शिष्य परंपरा, यह सूत्र चैतन्य महाप्रभु ने भी सिखाया है। श्री चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं, मनुष्य को किसी से भी, चाहे ब्राह्मण हो या शूद्र, गृहस्थ हो या सन्यासी, दिव्य ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, बशर्ते कि वह व्यक्ति कृष्ण विज्ञान में यथार्थ रूप से पटु हो। वस्तुतः जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान जानता है वही प्रमाणिक गुरु है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये विदुर ने कहा तो ये ज्ञान आप दीजिए, क्योंकि भगवत भक्त का काम यही है कि लोगों को कि आध्यात्मिक ज्ञान देना, ताकि क्योंकि हमको जो ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है जितना भी है, किसी को अपने अपने क्षेत्र में, ये ज्ञान आपके जीवन के साथ खत्म हो जाता है। वही ज्ञान नहीं खत्म होता है, लेकिन जो आपको आता है वो खत्म हो जाता है। जो आपके अंदर है, आपको जितना भी ज्ञान आपने अर्जित किया है उसका वही समाप्त, आप जब इस पृथ्वी को छोड़ते हैं समाप्त। लेकिन अगर आपने आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं वो शाश्वत है। वो आध्यात्मिक ज्ञान आपने दिया और जैसे प्रभुपाद ने आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं, प्रभुपाद हम सुन रहे हैं, अब हमको ये पता है, इतना पता लग गया हमको, अगर हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं तो हमको, अगर हम वैकुंठ नहीं भी जा सके तो मनुष्य रूप में दोबारा आएंगे, आगे इसको जितना कर लिया है उसको आगे बढ़ाने के, ये भगवान ने खुद कहा है। तो ये इसलिए ये ज्ञान शाश्वत है, ये नश्वरता आध्यात्मिक ज्ञान। इसलिए विदुर प्रार्थना कर रहे हैं कि आप कृपया ये ज्ञान बढ़ाइए, वो सुनना चाहते हैं। ये अब क्या कहते हैं विदुर, ये सुनते हुए इसको समाप्त करेंगे आप। उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य कौसरवो अंतिके साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकम जिहासता। मेरे साथ पढ़िए, उद्धव उवाच ननु ते तत्व संराध्य ऋषि कौसारवो अंतिके साक्षात भगवता दिष्टो मर्त्यलोकं जिहासता। शब्दार्थ है उद्धव उवाच, उद्धव ने कहा ननु, लेकिन ते तुम्हारा तत्व संराध्य दिव्य ज्ञान को ग्रहण करने के लिए पूजनी ऋषि विद्वान कौसारव कौसार पुत्र मैत्रेय को अंत के निकट साक्षात प्रत्यक्ष भगवता भगवान द्वारा आदिष्ट आदेश दिया गया मर्त्यलोकम मर्त्यलोक को छोड़ते हुए श्री उद्धव ने कहा आप महान ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान पूजनी है। जब भगवान इस मर्त्यलोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी, तो रहेगा क्योंकि आप पता है उद्धव से विदुर उम्र में बड़े थे, तो जब दूसरे उच्च कोटि के विद्वान में हैं उद्धव उस चीज से बचना चाह रहे थे। श्री उद्धव ने कहा पढ़िए, श्री उद्धव ने कहा आप महान विद्वान
ऋषि मैत्रेय से शिक्षा ले सकते हैं। जो पास ही में है और जो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के लिए पूजनीय है जब भगवान इस मर्त लोक को छोड़ने वाले थे तब उन्होंने मैत्रेय को प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी थी। तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, शीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, कोई भले ही दिव्य ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, उसे मर्यादा व्यतिक्रम अर्थात अपने से उच्च पुरुष की दृष्टतापूर्वक अवमानना के अपराध के विषय में सतर्क रहना चाहिए। शास्त्रों के आदेशानुसार मनुष्य को मर्यादा व्यतिक्रम नियम का उल्लंघन करने के प्रति अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से उसकी आयु, उसका ऐश्वर्य, यश तथा पुण्य और सारे जगत के शुभाशीषों का विनाश होता है। दिव्य ज्ञान में पारंगत होने के लिए आध्यात्मिक विज्ञान की तकनीकों के प्रति जानकारी होना आवश्यक है। दिव्य ज्ञान की इन सारी बारीकियों से भली भांति परिचित होने के कारण उद्धव ने विदुर को सलाह दी कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह मैत्रेय ऋषि के पास जाएं। विदुर उद्धव गुरु मानना चाहते थे, किंतु उद्धव ने यह पद स्वीकार नहीं किया, क्योंकि विदुर उद्धव के पिता जितनी उम्र के थे, अतः उद्धव उन्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे, विशेष रूप से जब मैत्रेय पास ही में उपस्थित थे। नियम यह है कि अपने से बड़े पुरुष की उपस्थिति में उपदेश देने के लिए किसी को उत्सुक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना ही दक्ष तथा निष्णांत क्यों ना हो। इसलिए उद्धव ने विदुर जैसे व्योवृद्ध व्यक्ति को एक अन्य व्योवृद्ध व्यक्ति मैत्रेय के पास भेजने का निर्णय लिया। वे भी निष्णांत थे, क्योंकि भगवान ने मृत्यु लोक से प्रयाण करते समय उन्हें भी स्वयं उपदेश दिया था। चूंकि उद्धव तथा मैत्रेय दोनों ही को सीधे भगवान ने उपदेश दिया था, अतः दोनों को विदुर का या अन्य किसी का गुरु बनने का अधिकार था, किंतु व्योवृद्ध होने के कारण मैत्रेय को विदुर का गुरु बनने का पहला अधिकार था, क्योंकि विदुर आयु में उद्धव से काफी बड़े थे। किसी मनुष्य को लाभ तथा यश के लिए सस्ता आध्यात्मिक गुरु बनने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु केवल भगवान की सेवा के निमित्त ही गुरु बनना चाहिए। भगवान कभी भी मर्यादा व्यतिक्रम की धृष्टता को सहन नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि अपने निजी लाभ तथा यश के लिए वयोवृद्ध गुरुओं को प्राप्य सम्मान में ऊपर चढ़ी ना करे। छदम गुरु के लिए डिठाई करना आध्यात्मिक साक्षात्कार में प्रगति के लिए अत्यंत घातक है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्ण प्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा साधि गौर भक्त बृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता।